नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। यह वीडियो Q&A वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा और ये सभी क्वेश्चन हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हैं। अगर आप हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या BC को 5 साल की छूट मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल, SC और BC को अब की बार 5 साल की छूट मिलेगी। वैसे तो हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरने की एज है 18 से 25, लेकिन SC और BC को 5 साल की छूट मिलेगी, इसलिए वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरव्यू होगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एज में छूट मिलेगी? तो इसका जवाब है, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन ये छूट उनको मिलेगी जिन्होंने पिछला हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था। चाहे वो ओवरएज हुए हों या ना हुए हों, वो फॉर्म भर सकते हैं। उन्हें करना क्या होगा? जो उन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म के चलान की कॉपी उनके पास होनी चाहिए और 28 तारीख को उस चलान की कॉपी के द्वारा वो अपना फॉर्म रिन्यू कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे? तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 28 अप्रैल से और इसकी लास्ट डेट है 28 मई और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 30 मई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था वो क्या करें? उन्हें करना क्या है? 28 तारीख के बाद सिर्फ उन्हें फॉर्म रिन्यू कराना है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था क्या वो नया फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन नया फॉर्म तभी भरें जब आपकी एवरेज ना हुई हो, क्योंकि नए फॉर्म में आपको एवरेज वाली छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 1 अप्रैल 2018 को 25 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप नए फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप SC BC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र 1 अप्रैल 2018 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप नए फॉर्म नहीं भर सकते। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपने पुराने फॉर्म को रिन्यू करा लें। चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, वो ना जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI की एज लिमिट कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, SI की एज लिमिट है 21 से लेकर 27 साल। SC और BC को छूट मिलेगी 5 साल की और जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है क्या उसे छूट मिलेगी? उसे बिल्कुल मिलेगी, उसे मिलेगी 5 नंबरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पिता गुजर चुके हैं क्या उसको छूट मिलेगी? हाँ, उसको छूट मिलेगी, लेकिन ये छूट मिलेगी पहले और दूसरे लड़का या लड़की को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा या अनाथ को छूट मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी, ये मिलेगी 5 नंबरों की। क्या हरियाणा पुलिस और SI दोनों फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। आपको हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है और 10वीं में होनी चाहिए संस्कृत या हिंदी। ठीक है, और SI का फॉर्म भरने के लिए आप होने चाहिए ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हरियाणा पुलिस और SI का एग्ज़ाम अलग होगा? जी हाँ, हरियाणा पुलिस और SI के एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पर 29 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और मैंने वीडियो के एंड में भी उन प्रैक्टिस सेटों का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप में डेली GK का टेस्ट और शनिवार और रविवार को रेलवे डी ग्रुप, HSSC और हरियाणा पुलिस का टेस्ट लिया जाता है और उनसे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।